नेवर गिव अप चैलेंज, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन 60 दिन में, और आज हम बैक डे लगाएंगे। पहले नॉर्मल रनिंग करेंगे, उसके बाद अपना स्प्रिंट करेंगे 14 की स्पीड पे, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिख रहा होगा। और उसके बाद हम करेंगे क्लोज अप पुलअप्स, ये 20 करेंगे, चाहे 2 सेट में लगाए चाहे 3 सेट में। हम आपको सिर्फ मेन मेन दिखाएंगे। और ये बारबेल पुलअप्स हम ये 75 लगाएंगे, इसके 5 सेट लगाएंगे। थोड़ा सा आज हैवी सिस्टम रहेगा, तो करते रहेंगे। और भी थोड़ा सा वीडियो का लिए अभी थोड़ा डिसिप्लिन करने के लिए लगे हुए हैं, और क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है काम को लेके। नाइट शिफ्ट्स हैं तो दिन में टाइम नहीं लगता, जिम जाके वीडियो बन जाती है बट अपलोड नहीं हो पा रही है, वॉइस ओवर एडिटिंग नहीं हो पा रहा है, तो अभी उसके लिए भी कुछ वे आउट निकाल रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे आपको बारबेल आप लगाएंगे तो अपने जो पैर हैं वो बिल्कुल आगे की तरफ करके उसको थोड़ा पीछे की तरफ चेस्ट के ऊपर लगाएंगे, और उसके साथ में फिर उसको बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ लेके आएंगे। एक पोर्शन बनेगा चेस्ट के ऊपर लगाएंगे, तो पूरा का पूरा जो आपका खींचेगा, और इसको थोड़ा सा वाइड पकड़े, वाइड पकड़ेंगे तो आपको देखिए, आपको बिल्कुल पूरा बैक आपको दिखेगा चलता हुआ। और आप वर्कआउट लगाओगे, आपको खुद को पता लगेगा कि कैसा लग रहा है, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। और अभी डाइट के लिए भी प्लान तो कर रहे हैं, अभी आपको सामने डालें कि वेजिटेरियन डाइट में आप क्या क्या ले सकते हो, बट प्रॉब्लम वही है, टाइम नहीं बैठ पा रहा है। और ये अपना सीट केबल अभी 60 लगाएंगे इसके, 15 सेट के 4। और ये देखिए पोर्शन आपका कैसे है, पैर थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा और बॉडी बिल्कुल जो आपका बैक स्ट्रेट रहेगा, और जो आप केबल लेके आएंगे बिल्कुल आपके स्टमक के बिल्कुल साथ में लेके आना है, और आराम आराम से वर्कआउट लगाएंगे तो फायदा रहेगा। वेट आप अपने हिसाब से ले लें जितना भी, थोड़ा सा वेट बढ़ाते चलेंगे, अभी थोड़ा सा करना पड़ेगा तभी इंटेंस रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा और रिजल्ट भी आएगा। ये थोड़ा क्लोजअप आपको व्यू दिखाते हैं इसका, देखिए बिल्कुल आराम से, ये देखिए बहुत बढ़िया शानदार। वेट लगाएं आप, थोड़ा सा बढ़ाते रहें, पहले जितने से भी 30-40 से आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद लगाएं। अभी मेरे ख्याल से ये 55-60 के आसपास चल रहे हैं, सातवीं वो है लेट है शायद, तो अभी ध्यान नहीं है मेरे को आपसे बोल। वर्कआउट लगाओ, वर्कआउट लगाते ही आराम आराम से, कोई इसमें ज़्यादा जोर नहीं करना। ये क्लोज, ये देखिए बिल्कुल पूरा का पूरा पैर थोड़ा आगे की तरफ करके बॉडी को पीछे की तरफ लेके आए, और उसको पूरा ऊपर तक जाने दें, आपको पूरा 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 बैक अप की तरफ खींचेगा, बहुत बढ़िया, और आपका मसल्स बिल्ट होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, आपको खुद फील होगा, आप कपड़े डालेंगे टी शर्ट डालेंगे तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा होगा। बैक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैक का भी जिस तरह आप लेग्स हैं, लेग्स भी एक लोग बहुत से लोग करते नहीं हैं, बैक भी थोड़ा सा नहीं करते हैं लोग, क्या करते हैं चेस्ट बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ही करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप पूरी बॉडी का वर्कआउट करें तो बहुत बढ़िया होगा, और डाइट अपनी अच्छी रखें, जिम में भी सिर्फ वर्कआउट पे ध्यान दें, और साथ साथ अपना कोई जल्दबाजी में इंजरी ना करें उसका भी बड़ा ध्यान रखें। और देखिए अभी 15 का 4 हो गया, तो अभी कर रहे हैं हम, तो ये क्लोज है देखिए, उसको बाहर की तरफ से पकड़ना है, अब दिख रहा होगा आपको हाथ कैसे इसका मोमेंट रहेगा, और बिल्कुल आराम से उसको जान दे, वेट बढ़ाएं। वेट अभी इसकी मेरे ख्याल से 8वीं प्लेट है, दिख रहा होगा आपको सामने से। और ये टी रोड, इसके भी 4 सेट लगाएंगे, 15 15 के 4, तो आज थोड़ा सा करेंगे 15 15 के 4 ही लगाएंगे, 3 नहीं लगाने, तो
देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको बॉडी को पोजिशन में लेके आना पड़ेगा। पोजीशन आपका बिल्कुल देखो आप बिल्कुल, आप बहुत से लोग इसको ऐसे भी लगाते हैं, अगर लगे अगर आप चेस्ट के साथ लगाना चाहते हैं तो चेस्ट के साथ भी लग सकता है। पैर का आपको देखिए बिल्कुल, आप मिरर में चेक कर सकते हैं बिल्कुल दोनों तरफ से पकड़ के इसको, और सेंटर से बीच की तरफ आना चाहिए। जल्दी नहीं करनी है, जल्दी का काम थोड़ा सा आपको नुकसान करेगा, अगर जल्दी करेंगे तो इंजरी होने का खतरा रहेगा। और एक बार थोड़ा सा भी हल्का आपका लिगामेंट्स कोई भी हिला तो आपको 10-15 दिन ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे, तो ना वर्कआउट हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। ये देखिए पोर्शन बॉडी को बिल्कुल बैक को स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट के साथ आपको देखिए आपको दिखेगा यहाँ से जूम करके भी डाला है हमने तो बहुत बढ़िया। वर्कआउट थोड़ा सा डिसिप्लिन में हो तो और ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। ये फ्रंट केबल रो, ये जो मेरा फेवरेट वर्कआउट है, देखिए एक बार अंदर से एक बार बाहर से दोनों साइड से जो हाथ का मूवमेंट रहेगा आप देखें। ये फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, ये बिल्कुल आपको आज ओरिजिनल दिखा रहे हैं, जो जहां जहां लगा हमें हम उसको छोटा किया काट दिया और फिर बाद में उसको सेट किया। हाँ आपको एंगल अलग अलग कैमरे से मिलेगा तो आप देखिए बिल्कुल। और इस वर्कआउट को करने के लिए हमने जैसे कि हम चेयर पे बैठते हैं ऐसे थोड़ा सा बैंड करके ऐसे सीट एक इमेजिन करके, और केबल को बिल्कुल आपका जो पेट है नाभि के थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आना है, तो आपको बिल्कुल आपका शेप जो है वी शेप की तरफ आना शुरू होगा और आपका बैक बहुत अच्छे से निकलेगा। और एक काम करना है साथ में, एक बार उसको जो क्लोज हैंड है और एक बार उसको जो उल्टे हाथ से, दोनों हाथ से करना है। तो वर्कआउट बड़ा अच्छा लगेगा आपको, और जो भी वर्कआउट करें उसका वीडियो बनाएं। सेल्फ मोटिवेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। तो देखिए आप मिरर में भी चेक करें, हमने वर्कआउट हर वर्कआउट के बाद लगाते ही हैं, लेकिन अब जो मसल्स हैं वो साथ के साथ आपको दिखनी शुरू होंगी दूसरे भी वर्कआउट्स की। ये क्लोज क्लोज केबल रो, इसमें हल्का हल्का वेट बढ़ाते रहेंगे, अभी वेट इसमें मेरे ख्याल से 6 प्लेट है तो अभी लगाएंगे। इसका जो बेस्ट वे है वर्कआउट का, जो आप वेट बढ़ गया देखिए आपके सामने प्लेट्स, तो इसका जो बेस्ट वे है केबल को ऊपर की तरफ जिस तरह गया पैर आगे की तरफ करने, केबल जैसे ही नीचे की तरफ आएगा चेस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना और उसको आराम आराम से जाने देना, लेके आना है और जाते हुए उसको बिल्कुल आराम से जाएगा वो, तो थोड़ा सा वर्कआउट उसको इंटेंस अच्छा रहेगा। ये डेडलिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम 70 kg से, और इसके रैप्स लगाएंगे 3 सेट लगाएंगे इसके 12-12 के, और वेट थोड़ा सा इंक्रीज करते रहेंगे। हैवी वेट ज़्यादा अभी स्टार्ट करना है लेकिन अभी मैं नहीं लगा पा रहा क्योंकि अभी थोड़ा सा बॉडी को यूज्ड टू होने देंगे, क्योंकि अगर बैक आपको इंजर्ड कर ली तो आपने फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये बढ़ाया हमने साथ में, ये अब मेरे ख्याल से 110 के आसपास है, तो सीधा खड़े होंगे और रैप्स लगाएंगे साथ में। ये जो पोस्ट वर्कआउट पुशअप्स होती हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट के बाद अगर आप पुशअप लगाओगे तो अगर आपने 30 भी लगाई या 40 लगाई, 40 से ऊपर जितनी भी लगाई वो सोने में सुहाग है, तो उसमें आपका पूरा पूरा वर्कआउट के साथ खींचेगा। और ये कुछ बैक स्ट्रेचिंग करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है
और फिर आपको 10 तक गिनना है, बॉडी को रिलीज करना है, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है। आप आहिस्ते आहिस्ते हम बॉडी को उठाते रहेंगे, देखिए हाथ पीछे की तरफ जाएंगे और अपर चेस्ट को उठाएंगे, तो 10 तक काउंट करेंगे उसको, फिर जाने देंगे, हाथ थोड़ा सा और अंदर की तरफ करके फिर उसको 10 काउंट करेंगे। अब हाथ थोड़ा सा और पीछे करके देखिए आप अपर चेस्ट के साथ साथ जो आपका स्टमक है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, जो लोअर आपकी बैक है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा मत करें, जितना आपकी बॉडी उठा सकती है उतना ही करें, क्योंकि आप बैक भी लगाया आपने, ये पूरा पूरा स्ट्रेच हो गया इस टाइम पे, आप देख सकते हैं पूरा पूरा बढ़िया। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल बाइसेप्स के साथ।